हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हीना, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने घर में काफ़ी मेरी वीडियो आने का वेट कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है कि बहुत टाइम से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस समय जो मौसम चेंज हुआ है, विंटर के बाद अचानक समर और बस इतनी जल्दी गर्मी आ गई है कि इंसान को थोड़ा सा संभलते संभलते टाइम तो लगता ही है। और आप लोगों की विशेष के साथ मैं बहुत जल्दी ठीक भी हो गई हूँ और काफ़ी जो मेरे YT फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने काफ़ी मुझे मैसेजेस किए हैं, इंस्टा पे किए हैं और YT पे किए हैं कि मैम आप प्लीज़ जल्दी से आइए YT चैनल पे, अपनी वीडियोस शेयर कीजिए, डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस वीडियो भी मेरे सामने आए हैं। और जो बहुत टाइम से मेरे जो पास्ट में जो मेरा पुराना चैनल था ऑल इन वन, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, तो उसमें भी मेरे कुछ फॉलोअर्स थे जो वहाँ पे भी मुझे फॉलो करते थे और वहाँ पे रिक्वेस्ट करते थे अपनी वीडियोस की, और अब वो इस चैनल पे भी मेरे संग जुड़ गए हैं फिर से दोबारा। और काफ़ी उन्होंने इंसिस्ट किया है कि मैम हमारी उस टाइम पर कुछ रिक्वेस्ट रह गई थी जो आप चैनल पर अपडेट नहीं कर पाई हैं, सो प्लीज़ करिए। और मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ, मैंने उनसे प्रॉमिस भी कर रखा था कि मैं भी बहुत जल्दी आपकी वीडियो बनाऊंगी, तो आज मुझे लगता है कि मुझे उनका चैलेंजिंग वीडियो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसकी वीडियो बना देनी चाहिए। सो आज का जो चैलेंजिंग वीडियो है वो स्नीचिंग चैलेंजिंग वीडियो है, नोज़ ब्लोइंग। वैसे तो ये चैलेंज करते हुए मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा है, थोड़ा सा यू नो व्हाट कह सकते हैं ना कि जस्ट लाइक अ यू नो ई, लेकिन काफ़ी टाइम से वो मुझे मेरे हर वीडियोस को लाइक करती हैं, ज्योति, आगे नाम याद नहीं आ रहा है। मेरी वीडियो को फर्स्ट व्यूअर्स हैं, कमेंट करती हैं और फर्स्ट लाइक करती हैं, मुझे कमेंट करके बार बार इंसिस्ट करती है कि मैम प्लीज़ मेरी वीडियो बनाइएगा। तो आज मैं उनकी वीडियो लेकर आई हूँ, ये स्पेशली आपके लिए है ज्योति जी, क्योंकि आपने इतनी मुझे सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है और आप सब लोग ही मुझे बहुत काफ़ी सपोर्ट और काफ़ी प्यार देते हो, तो थैंक यू सो मच माई फैमिलीज़ की आप लोग मुझे इतना केयरिंग हो, मेरी हालचाल भी पूछते हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट व्यूअर हो या विजिटर हो या फिर मेरी वीडियो देखकर पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। पसंद आए तो आई थिंक बहुत कम लोग होंगे जिन्हें ये वीडियो पसंद आएगी, अगर जिन्हें भी ये वीडियो पसंद आए स्नीजिंग एंड नोज ब्लोइंग वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे आपके साथ जोड़े रखता है और मैं हिम्मत करके कोशिश करती हूँ कि आपके संग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो शेयर करूँ। तो अब मेरा मोटिव है कि वीकली मैं आपके संग अपनी वीडियो शेयर किया करूँगी, आई थिंक वीकली 2 या 3 वीडियो शेयर करूँगी और जल्दी से जल्दी मेरे ख्याल से मैं एक ब्लॉग चैनल भी अपना बनाने वाली हूँ जिसमें डेली ब्लॉग्स अपडेट किया करूँगी। जैसे कि आप लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि मैम आप अपना डेली ब्लॉग्स बनाइए, आप पूरे दिन क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं, कैसे कैसे क्या होता है, तो ये भी एक मेरे ख्याल से समय मैं सोच रही हूँ कि इसमें का एक ऐसा चैनल आपको बनाऊँ। अगर आप लोग उस चैनल को प्यारा सपोर्ट करेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे दूसरा चैनल, अपना ब्लॉगिंग चैनल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना नोज ब्लोइंग एंड स्नीचिंग चैलेंज। ओके, तो ये मैं ले आई हूँ, क्या कहते हैं, नैपकिन। ठीक है, और नैपकिन को नोज में ब्लोइंग के लिए, स्नीचिंग के लिए करते हैं। इससे बहुत गुदगुदी होती है इस समय मुझे कोल्ड हो रखा है। हैंकी भी ले रखा है मैंने, जिससे कि देखिए आँखों में पानी तक आ गया है मुझे। वैसे कहते हैं छींके बहुत ही ज़्यादा रेयर आती हैं और आती हैं तो फिर कंटिन्यूसली आती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए जो मैंने एक्सेप्ट किया है। आंखों में पानी आ गया है लेकिन छींक नहीं आ रही है।
ये देखिए आंखों में पानी आ गया। आई थिंक मुझे तो नोजी भी ऐसे नहीं आती है। मुझे लगा शायद नाक बंद हो इसलिए शायद। कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मुंह बने हुए हैं। फिर से करते हैं। चलिए फिर से ट्राई करते हैं। एक तो स्निच आ जाए कम से कम, स्निच वीडियो तो बन जाए ना। आप लोग भी अगर ये वीडियो देखेंगे तो सोचेंगे मैम एक तो चीकारी बनती है। आजा 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 चीक आजा। आंखों में पानी देखिए कैसे धाराएं आ रही है। ये देखिए लेकिन आंख से पानी आ जाए लेकिन नाक से पानी नहीं आना चाहिए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। देखिए ये जो वीडियो मैंने आपके संग शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में कोई भी हार्मफुल नहीं है। बहुत से लोगों का जब नाक वाक बंद हो जाती है, सर में दर्द काफ़ी होता है, तो उन्हें इस तरीके से किसी नैपकिन से या फिर किसी कपड़े से, और कपड़े से नैपकिन से नहीं कपड़े से इस तरीके से ऐसे इस तरीके से कोल कोल करके और नाक में हल्के से इधर से ऐसे ऐसे करके ही करना चाहिए। कपड़ा कभी भी टूटेगा नहीं, फंसेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, लेकिन नैपकिन जो है आपकी नाक में गल सकता है, चिपक सकता है अंदर, वो आपको नुकसान दे सकता है। तो अगर कभी भी आपको ये स्निचिंग वाला आइडिया अपनाना है तो प्लीज़ कभी नैपकिन ना यूज़ करके आपको ये रुमाल और हैंकी यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स सॉरी टू से मैंने पूरी कोशिश करी कि आपके सामने स्निचिंग वीडियो करूं और नोज़ ब्लोइंग करूं। कोशिश बहुत करी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से फेसेस भी बनाए, लेकिन मुझे कभी भी नोज़ ब्लोइंग इस तरीके से नहीं होती है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ ऑल राउंडिंग वीडियो हैशटैग हीना में। सो बाय बाय, टेक केयर।